मैं तो सर प्रयागराज से आ रहा था। जाना कहाँ था? जाना कामख्या था। क्या हुआ था अचानक? हुआ सर, अब तो हम तो ऊपर सोए हुए थे, अब अचानक कंपन टाइप का होने लगा और धीरे धीरे मतलब ट्रेन लगा कि मतलब एक तरफा गिरने लगा। उसके बाद मैं भी गिरा ऊपर से, ऊपर मैं सोया था, गिरा नीचे धराम से ना गिरा। फिर ट्रेन रुकी, रुकने के बाद फिर अब हम लोग जितने भी बंदे थे आपस में मतलब वो उतरना शुरू किए और यहाँ के जो लोकल जो आदमी थे उन्होंने बहुत मदद किया। वो तुरंत पहुँचे और हम लोगों को मदद किए, पूरे सामान उमान आदमी को पूरे मतलब निकाले हम लोगों को। क्या उस बोगी में जिसमें आपको कुछ लोग कैजुअलिटी भी हुई क्या? नहीं, उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई, उसमें चोटें लगी हैं। चोटें तो सबको लगी हैं क्योंकि जो ऊपर थे वो तो गिरे हैं नीचे धराम से ना, उनको तो चोट लगना ही लगना है। जो नीचे थे वो मतलब ठीक थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीनिवास पांडे है। हम लोग सफर कर रहे थे, खाना खा के अपना घर में बातचीत कर रहे थे, उसी समय ट्रेन में बिल्कुल आवाज चेंज होके आवाज आई, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आई। तो स्पीड में थी या नहीं? हाँ, स्पीड में तो थी, 70-80 की जैसी स्पीड रही होगी। तो आवाज आई, उसी समय हम लोगों को लगा कि कुछ हुआ। हम लोग सीट से स्लीपर में थे, हम स्लीपर से उठ के अपना खड़े होने के बाद अपना देखे कि सीट जो है, लगा कि ट्रेन ऐसा लहर मार रही थी, पटरी से उतर चुकी है। तो हम लोग खड़े हो गए, खड़े होने के बाद लगा कि जो है ट्रेन पलटने वाली है। खड़े होने जैसे तो आगे जो है इमरजेंसी ब्रेक लगी, उसी में गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हम लोगों की जो स्लीपर कोच जो थे वो सुरक्षित थे क्योंकि प्लेटफार्म पे जाके वो उसी में टिक गए, जाके उसी में हम लोग सुरक्षित थे। कितने बजे के आसपास की घटना है? ये 9:30-10 के आसपास की है, 9:30-10 बजे के आसपास की है। क्या नहीं, उसमें किसी की डेथ नहीं हुई।